नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यूनिवर्सिटी ने आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आया है, चाहे वो कॉलेज के हों या फिर डिपार्टमेंट के हों, ठीक है। और उसके बाद जितने भी यूसोल प्राइवेट और रिपेयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आया है। तो दोनों पर मैंने वीडियो बना दी है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए प्ले लिस्ट में जाके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं, पूरी गाइडलाइन है उसमें मैंने डिटेल से बताई है। और जो ये गाइडलाइन है ये यूसोल प्राइवेट और रिपेयर के स्टूडेंट के लिए है, इसमें मैं आपको डिटेल से आपकी गाइडलाइन बताने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके एग्ज़ाम 28 जून से होंगे, ऑनलाइन मोड से होंगे, ठीक है। और सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कैमरे की आप पे निगरानी नहीं रखी जाएगी, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आपके एग्ज़ाम जो हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे, और आपके एग्ज़ाम अगर इम्प्रूवमेंट या फिर एडिशनल के हैं उसके लिए आपको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो इन्वायरमेंट रोड सेफ्टी का आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आपको अलग से नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया है कि जो चौथे छठे आठवें दसवें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनके एग्ज़ाम 28 जून से होंगे, चाहे वो रेगुलर हो, रिपेयर हो, डेफिशिएंट हो, यूसोल हो, प्राइवेट के स्टूडेंट हो, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रिपेयर के हो, रेगुलर हो, यूसोल हो, प्राइवेट के हों, इनके एग्ज़ाम 8 जुलाई से होंगे, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाके 20 जून से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाके आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास यहाँ पे मेंशन करनी है, तो रिकॉर्ड सर्च कर लेना है, आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो यूजी के लिए ये ईमेल आईडी है और पीजी के लिए ये ईमेल आईडी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेट शीट आपकी ऑफिशियल साइट पर आ चुकी है, आप अपनी डेट शीट जो है चेक कर सकते हैं। और नोटिस बोर्ड पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिस बोर्ड पर मिलेगा, तो रेगुलर चेक करते रहिएगा आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट। और आपके जो एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक मॉर्निंग सेशन रहेगा, 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका इवनिंग सेशन रहेगा। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि टाइम चेंज किया जाना है तो यूनिवर्सिटी टाइम भी चेंज कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर बताया है कि online.puexam.in इस साइट से आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको ध्यान से देख लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका 9:10 पे आ जाएगा मॉर्निंग सेशन का, और 1:10 पे आ जाएगा आपका इवनिंग सेशन वाले स्टूडेंट का। तो आपको ध्यान से डाउनलोड कर लेना है, देख लेना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे अटैम्प्ट करना है उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं आएगी। जो आपके क्वेश्चन पेपर पर गाइडलाइन होती है वही आपको रीड कर लेनी है, उसी में आपको बताया जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगला पार्ट है इसमें बताया है कि आपको A4 साइज़ की आंसर शीट जो है यूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी ने भी PDF अपलोड कर दी है पूरे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो UG के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से PDF आई है, और जो PG के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से PDF आई है। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 20 पेज की UG स्टूडेंट को यूज़ करनी है A4 साइज की, यानी कि BA BSc BCOM को 20 पेज यूज़ करने हैं। जो MA MSc MCOM के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे 24 पेज यूज़ करने हैं। एक साइड आपको लिखना है, ठीक है, दोनों साइड आपको नहीं लिखना, सिर्फ पेज के एक साइड लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे अपलोड करनी है, ये आपकी साइट रहेगी online.puexam.in। यहाँ पे आपको आपकी आंसर शीट की जो PDF है वो अपलोड करनी है, और जो फर्स्ट पार्ट होगा आपकी, जो फर्स्ट पेज होगा आपकी PDF का, आपकी आंसर शीट का, उस पर आपको रोल नंबर जितनी भी डिटेल मेंशन है वो आपको फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया, उसको आप देख लेना, ठीक है, यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको आंसर शीट कैसे सबमिट करनी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका रिज़ल्ट जो है वो मेंशन करता है। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट हैं उनको PDF बना के, ठीक है, PDF कैसे बनाते हैं, यूनिवर्सिटी भी डेमो वीडियो बनाएगी और मैंने भी अलग से वीडियो बना रखी है कि PDF कैसे बनाते हैं, कैसे साइज चेंज करते हैं, ठीक है। तो अलग से प्ले लिस्ट है, उस पर जाके देख लीजिएगा। आपको ये साइट है आपकी, इस पर अपलोड कर देनी है अपनी जो PDF होगी, online.puexam.in, ठीक है। और उसके बाद
आपको जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो 60 मिनट के अंदर आपको अपलोड करनी है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। पहले आपके 90 मिनट थे तो अब 60 मिनट है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको खुद की ईमेल आईडी पे भी जो आंसर शीट है वो अपलोड करनी है, ताकि ये पता लग सके कि आपने एग्ज़ाम सही टाइम पर ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको जो आंसर शीट होगी वो आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए भी भेजनी है, ये मॉर्निंग सेशन के लिए है। आपको 3 बजे तक पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी आंसर शीट जो है वो सबमिट करनी है। ये आपका एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पे आपको वो भेजनी है। इवनिंग सेशन के स्टूडेंट हैं उनको अपनी आंसर शीट PDF बना के अपलोड करनी है, जो आपकी साइट है online.puexam.in। 60 मिनट के अंदर जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके 60 मिनट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको भी अपनी खुद की ईमेल आईडी पे भी अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया ये मैंडेटरी है आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करना अपनी खुद की ईमेल आईडी पे भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपकी जो इवनिंग सेशन के हैं उनको अगले दिन जाके पोस्ट ऑफिस में, जब भी आपका पोस्ट ऑफिस ओपन होगा तो 2 घंटे के अंदर, जब भी पोस्ट ऑफिस ओपन होगा तो 2 घंटे के अंदर वहाँ पर जाके अपनी जो आंसर शीट है वो इस एड्रेस पर भेज देनी है पोस्ट ऑफिस के जरिए, ठीक है। ये मॉर्निंग इवनिंग सेशन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे बताया है कि आप जो पोस्ट ऑफिस के जरिए आंसर शीट भेजोगे और जो ऑनलाइन आंसर शीट भेजोगे दोनों में क्रॉस वेरीफाई होगा, उसमें देखा जाएगा कि ये वही आंसर शीट है या नहीं, तो आपको गलती भी नहीं करनी कोई। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी नोटिस आता है तो आपको ऑफिशियल साइट पर आएगा, उसी को ऑथेंटिक मानना है, उसी को सही मानना है। और जो 10वां पॉइंट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये साइट आपकी रहेगी, इसी पे आपके हेल्पलाइन नंबर है। और अगला जो पॉइंट है इसमें बताया है कि अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल पर्सन है तो जो रूल है यूनिवर्सिटी का उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो ये जो पूरी गाइडलाइन है आपके यूसोल प्राइवेट और रिपेयर के स्टूडेंट के लिए थी, इसमें मैंने डिटेल से बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अपनी जो आंसर शीट है वो आप यूनिवर्सिटी की साइट से अपलोड कर लेना, और मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर भी वो अपलोड कर ली है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।